कुछ सीख के ही निकला हूँ और इंशाल्लाह ताला ये सीखने की जारी रहेगी मेरी कोशिश आप लोगों से। इस ख़ास तौर पे आज का जो थीम है ये यूएन का सेलिब्रेटेड डे है और आज इस साल की जो थीम है कि जी पोस्ट कोविड इंक्लूसिविटी स्पेशल सॉरी डिफरेंट डिसेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को कैसे इंक्लूड किया जाए। मुझे इस वक्त थोड़ा याद भी आता है इधर मेरे दारुल सुकून के दोस्त बैठे हैं सारे। कोविड में हमने पिछले साल सिस्टर रूथ लुइस हमसे जुदा हो गई थी जिनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी दारुल सुकून में, उनको भी याद करते हैं बट वो अपने साथ ऐसा इदारा छोड़ के गई हैं कि इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध के साथ मिलकर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो भी इदारे थे हैंड्स का मैं नाम सॉरी भूल गया मैं इधर जहन से निकल गया था अभी। जैसे मैंने कहा कि आप हुकूमत सिंध को हर वक्त अपना पार्टनर समझें, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। सादिक को जब ये पोर्टफोलियो दिया था सादिक वाज़न्ट टू श्योर, मुझे याद है पहले दिन जब मेरे पास आया तो कहने लगा कि जी इधर मैं क्या करूँगा। मैंने कहा आपको अंदाज़ा नहीं इधर आप क्या नहीं कर सकते। मैंने बीच में एक बार आई थॉट, लेकिन मेरी मसरूफियात इतनी थी कि मैं ये पोर्टफोलियो अपने पास रखूँ और मैंने कहा भी था कि जी आई वॉन्ट टू कीप दिस विथ माई सेल्फ, लेकिन जितना टाइम इसको देने में खाली चीफ मिनिस्ट्री में इतना काम नहीं जितना इस पोर्टफोलियो में काम है अगर आप करें तो वो मैं टाइम नहीं दे सक रहा था। मैंने पहले कासिम नवीद को दिया था, उन्होंने किया एंड आई एम ग्रेटफुल के सादिक टुक दिस अप एज अ चैलेंज और इसको आगे लेके, और मेरे ख्याल महीने बाद मुझसे मिले थे तो ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। दिस इज़ हाउ यू पीपल चेंज अस। इन्होंने कहा कि जी आपने तो मेरे ऊपर बड़ी ज़बरदस्त काम किए हैं और इस चीज़ को हम और आगे बढ़ाएंगे। नाउ ही कम्स टू मी एवरी डे विद न्यू आइडियाज़ विद न्यू थिंग्स और मैंने पूरी सपोर्ट, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ रखो, इस एरिया में जितना काम हम कर सकते हैं वो कम है और हम ज़्यादा करना चाहते हैं। जो दो तीन बातें अभी भी सादिक मुझे कहा, सेनेटर साहब बैठे हैं KBTC के लिए आपके जो ब्रांच आप दूसरी जो कॉम्प्लेक्स पूरा बनाना चाहते हैं प्लीज़ हम आपके साथ हैं और वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम अपनी इसलिए कि हुकूमत सिंध दूसरों पे तो बहुत जोर रख रही थी, हमारे अपने साझेदारी नहीं थे। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर बिल सुमरो यहीं थी अभी नजर आएंगी, उन्होंने अपना ऑटिज़म का सेंटर जब शुरू किया और फिर हमने दूसरा गुलिस्तानी जौहर में जो हमारा है और आज मैं बैठी मेरी छोटी बच्ची और मुझे सादिक ने बताया इनके टैलेंट के बारे में, तो वो गुलिस्तानी जौहर में हमने उसी आर्ट्स शुरू किया। फिर हमने कहा नहीं इसको एक्सपेंड करना है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हैदराबाद में हमने एक सेंटर शुरू किया और इंशाल्लाह ताला हर पूरे सिंध में हमें इसको कोशिश तो यही है कि बहुत तेज़ आगे जाए। हमारी कुरंगी में एक बिल्डिंग पड़ी थी जिसको हमने कहा कि इसको इस्तेमाल करें ताकि वो सी आर्ट्स को एक्सपेंड करें, इसमें बड़े बच्चों के लिए भी जगह रखें और रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी हो। ये हमारा पूरा इरादा है कि हम जितना ज़्यादा इस एरिया में इन्वेस्ट कर सकें, और लेकिन इसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत है। पैसों से ये काम नहीं होता है, ये काम दिल से होता है। पैसे सबसे आसान है इस चीज़ में, लेकिन वो पैशन चाहिए ये काम करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला जो मैं देखता हूँ, मैंने जिन लोगों से मिला हूँ उनका पैशन देख के मैं बहुत श्योर हूँ कि हम सिंध में और आगे बढ़ेंगे। और जैसे कहा कि अभी सिंह साहब ने बताया कि वो बच्चे जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में सबसे डेवलप्ड मुल्कों में
से वापस आए कि जी इनका कुछ नहीं हो सकता इधर आए, तो वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन गए थोड़ी ट्रेनिंग के बाद इधर। और इंशाल्लाह ताला अब वो सहूलियत इधर पैदा करेंगे। हुकूमत सिंध बिल्कुल आपका साथ देगी, लेकिन हमें पैशनेट लोग चाहिए और उनकी कमी नहीं है। बल्कि मैं यही कहूँगा कि आज जो दो तीन चीज़ें देखी हूँ, दी ऐप जो डेवलप की है ज़बरदस्त इनिशिएटिव, और वो किसने डेवलप की, दी मेरी बच्ची जो थी उन्होंने कहा कि अपनी जो उनको प्रॉब्लम या प्रॉब्लम तो नहीं करनी चाहिए उनको, एक अपने पेरेंट्स की जब उन्होंने देखा प्रॉब्लम इश्यूज तो उसको देखते हुए उन्होंने वो सोचा कि ऐसा करना चाहिए। हमारा सिजावल वाला सेंटर जो है उमेर, प्लीज़ जहाँ पे भी चाहिए बिल्डिंग्स बहुत है यार, सरकार के पास बड़ी बिल्डिंग्स पड़ी जो अंडर यूटिलाइज्ड है, नॉन यूटिलाइज्ड है, सिर्फ आइडेंटिफाई करें, वी विल फंड देम, हम आगे चलेंगे। हमें लोग चाहिए जो काम करें। हमारे पास जो मैं अभी भी सादिक से कह रहा था, अगर एक चीज़ की कमी है, और दिस इज़ नॉट ओनली हियर, हर एरिया में, वो है ह्यूमन रिसोर्स। और ख़ास तौर पे इधर बड़ा मुश्किल है कि वो बहुत कम लोग हैं जिनको ये पैशन है। मैं कहूँगा कि वो आगे आएँ और लोगों को इंसेंटिवाइज करें ताकि हम आगे इसको बढ़ सकें। सादिक ने पूरी डिटेल बताई थी दी वर्क ऑफ द DEPD, आई एम वेरी हैप्पी, बट वी नीड टू डू मोर। हमने 2018 में वो कानून बनाया था और इट वॉज मॉडल लेजिस्लेशन, और हमने सारी इनपुट ली थी। मुझे पता चला है वो दी सेक्रेटरी वॉज डूइंग इट एट दैट टाइम, इज जस्ट बीन रिपोस्टेड बैक टू सिंध, तो मे बी आई यूज हिम अगेन सम एरिया। और उसके बाद उसके रूल्स, और आज हमने वो जो देखा ब्रेल में, ये चीज़ें तो हमें सोचनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग हमारे लिए सोचते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल रिचर्ड भी इधर बैठे, जेफरीज के जो काम है, हर ऑर्गेनाइजेशन के जो पैशनेटली जिस तरीके से काम किया है उसको सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, काफ़ी देर आप लोग सारे बैठे रहे, आपने अपनी ईद आधा दिन तो इधर मेरे जैसे बोर आदमी के साथ गुजार दी, और अब ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू गो आउट एंड इन्जॉय समवेयर एल्स। लेकिन मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज चीफ मिनिस्टर हाउस को इज़्ज़त बख्शी और आप लोग इधर आए, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही रहेगी कि 3 दिसंबर को हम ये दिन आपके साथ हमेशा मनाएं। और जब तक मैं हूँ ये चीफ मिनिस्टर हाउस आपके लिए खुला है, इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, और इंशाल्लाह ताला ऐसा सेटअप करके जाएंगे, ऐसा ऐसी रिवायत डाल के जाएंगे कि जो भी बाद में आएगा उस रिवायत से हट ना सके, उसको बहुत मुश्किल हो। हाँ, रिजर्व सीट्स की बात की, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट आवर डोमेन, बट वील टॉक टू द फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली में बात करेंगे कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट में ऐड करें। मुझे पता है वो कानून वापस आएगा हमारे पास दोबारा, आई कीप दिस इन माइंड, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कोई रिप्रेजेंटेशन किसी तरीके से दें ताकि आपके लोग, और जावेद तो इसके बहुत पहले से प्रोपोनेंट है मुझे पता है, 2003-04 से ये बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। दूसरी जो मुझे अच्छी बात लगी ना, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, 8-10 ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट हैं, लेकिन लग ये रहा था कि ये सारी एक फैमिली है जो एक साथ बैठी है, और हम इस फैमिली का हिस्सा हैं, हुकूमत सिंध इस फैमिली का हिस्सा है। और एक बार फिर जैसे मैं पहले भी कहा है कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और होप टू सी यू मोर ऑफन, नॉट ओनली ऑन द 3rd of December, बट और ज़्यादा मुझे अभी बताया सिजावल जाने के लिए शायद कह रहे हैं, उधर भी निकालेंगे टाइम, और बाकी और ये सारे इदारे जो हैं, KVTC has been very kind, उन्होंने कहा है कि हम कराची से बाहर भी अपनी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, हम डेफिनेटली आपको फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि हमारे ऊपर ये आपकी मेहरबानी होगी। बाकी जो इदारे हैं, जो बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिकल रिहैबिलिटेशन IPMR जो है, उसमें हमारा वैसे ही प्लान है कि हम सैटेलाइट्स हर डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स में शुरू करें, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। और जैसे इधर हमने
देखा है कि पूरे सिंध से लोग बच्चे आए हैं ख़ास तौर पे, तो एक बार फिर आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलाल डॉक्टर बनना है तुमने, आज मुझे उसने बताया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, छोटा बच्चा था, इस फ्रॉम हैदराबाद एंड कहाँ गया देखे तो सर, आई हैव गॉट अ फैन जी। तो पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।